आगाज हिजबुल्ला ने किया है, जिसे अंजाम तक पहुंचाने की कसम ईरान ने खाई है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और युद्ध के मंडराते खतरों के बीच इस वक्त हम देख रहे हैं कि दुनिया की तमाम बड़ी एयरलाइंस कंपनियां इस वक्त इसराइल और लेबनान की उड़ानें रद्द करती नजर आ रही हैं। भारत की एयर इंडिया ने भी 8 तारीख तक इसराइल के लिए उड़ानें रद्द कर दी हैं। लेबनान में रहने वाले जो भारतीय हैं उन्हें जल्द से जल्द निकलने का एक तरह से दिशा निर्देश दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि अमेरिका सहित तमाम अन्य देश भी लेबनान में रहने वाले अपने नागरिकों को आगाह कर चुके हैं कि ये इलाका अब वॉर जोन में तब्दील होने जा रहा है। इस वक्त के हालात कितने ख़राब हैं कि आप ये समझिए कि फुआद सुकर जो टॉप कमांडर था हिजबुल्ला के, उसके मौत का बदला लेने के लिए नसरुल्ला ने न सिर्फ ऐलान किया बल्कि ये भी कहा कि रेड लाइन को अब इसराइल क्रॉस कर चुका है। अब हमला किसी एक इलाके में नहीं बल्कि इसराइल के तमाम ठिकानों को दहलाने के लिए हिजबुल्ला तैयार है। और उसके बाद रॉकेट की बारिश हिजबुल्ला ने इसराइल के खिलाफ शुरू कर दी है। दूसरी तरफ ईरान अभी पूरे कैलकुलेशन में है, क्योंकि ईरान अकेले हमला करना नहीं चाहता। ईरान अप्रैल वाली गलती को दोहराना नहीं चाहता। ईरान दरअसल इसराइल के खिलाफ इस वक्त जिस रणनीति पर काम कर रहा है वो अपने तमाम प्रॉक्सीज के साथ एक बार हमले को ऐसा अंजाम देना चाहता है ताकि इसराइल की जड़ें खोद दी जाएं, इसराइल को पूरी तरह से दहला दिया जाए। और इसी क्रम में हम देख रहे हैं कि हिजबुल्ला ने शुरुआत कर दी है। हिजबुल्ला ने फुआद सुकर की मौत का बदला लेना जो शुरू किया है उसकी झलक इस वक्त इसराइल में देखा जा सकता है, जहां रेड अलर्ट है, पूरी तरह से सेना तैयार है। और इसराइल को ये मालूम है कि कभी भी बड़े हमले में शामिल होकर ईरान इसराइल का पर्चा उड़ा सकता है। वो इसलिए क्योंकि हज़ारों एक साथ क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल के हमले का प्लान ईरान तैयार कर चुका है। साथ ही आप देखिए तो हिजबुल्ला के पास सिर्फ रॉकेट नहीं, उसके पास भी मिसाइलों का जखीरा है। और इन मिसाइलों के जखीरे का जो एक तरह से देखा जाए तो ईरान के बाद सबसे बड़ी ताकत हिजबुल्ला के पास दिखाई देती है। तकरीबन आप समझिए कि रॉकेट और हिजबुल्ला के पास मिसाइल की ताकत देखें तो 1.5 लाख है, ये कमतर नहीं है। दूसरी तरफ आप देखिए तो दरअसल हूती जो है वो भी इस जंग में पूरी तरह से कूदने के लिए तैयार है और ईरान के साथ साथ हिजबुल्ला और हमास का बदला लेने के लिए ऐलान कर चुका है। इस बीच हमास की बची खुची जो ताकत है, जो कि आप देखिए इस्माइल हानिया के मरने के बाद भी यहवा सिनवार के पास अभी भी सुरक्षित है, उस ताकत का प्रयोग भी हमास दरअसल आप देखिए तो करना चाहता है। और अभी भी खान यूनुस के इलाके में हमास की पकड़ मजबूत दिखाई देती है। उसके अलावा खास तौर पर आप देखिए तो इराक की ज़मीन पर बैठा हुआ जो कातिब हिजबुल्ला है वो भी हूती के साथ अलायंस कर चुका है और वो भी इसराइल के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी में है। तो जो सारा हमला इस वक्त प्लान में दिखाई दे रहा है उसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ ईरान नहीं, सिर्फ हिजबुल्ला नहीं, सिर्फ हूती और कातिब हिजबुल्ला नहीं बल्कि हमास भी मिलकर यानी पांचों तरफ से हमले का प्लान जो है उसको एग्जीक्यूट करने की तैयारी की गई है। और ये तैयारी इसराइल पर कितनी भारी पड़ेगी इसका अंदाज़ा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि नेतन्याहू को बाइडेन से बात करनी पड़ी, पूरे प्लान को एक तरह से वर्कआउट करना पड़ा। उसके अलावा दोनों की बातचीत के बाद अमेरिका का सधा हुआ बयान आया कि इसराइल अकेला नहीं है, इस जंग में अमेरिका भी इसराइल के साथ खड़ा है। और आप देखिए जिस तरह से इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है खास तौर पे अमेरिकी सिप्स का मूवमेंट, उसके अलावा आप देखिए अमेरिकी जो तैयारी है वो दरअसल इसराइल को ही मद्देनज़र रखकर की जा रही है, क्योंकि इसराइल अकेले इस जंग को ईरान और उसके प्रॉक्सीज के साथ तो बिल्कुल नहीं लड़ सकता। और इसीलिए इस जंग के बीच हम देख रहे हैं कि किस तरह से दरअसल समूचा मिडिल ईस्ट जो है वो इस वक्त अस्थिर जान पड़ता है। सबसे बड़ी बात कि ईरान और ख़ास तौर पर आप देखिए किस वक्त उसके प्रॉक्सीज को एक बड़ा सपोर्ट ऐसे देश ने मिल रहा है जो कि खास तौर पर नेटो का मेंबर है। जी हाँ, हम टर्की की बात कर रहे हैं। अगर टर्की इसमें उतरता है तो क्या वो नेटो के रूल्स को वायलेट करेगा या फिर टर्की का सपोर्ट किस तरह से होगा, क्योंकि अर्दवान खुद कह चुके हैं कि जिस तरह से नगाओ करवाक में टर्की का सपोर्ट था उस तरह के सपोर्ट को यहाँ भी दिया जा सकता है। ये अपने आप में कम हल्की बात नहीं है, लेकिन ये देखना होगा कि टर्की का रोल क्या होता है। दूसरी तरफ आप देखिए कि इसराइल और अमेरिका के खिलाफ अगर ईरान अपने प्रॉक्सीज के साथ हमला करता है तो रूस का भी बड़ा सपोर्ट, बड़ा समर्थन जो है वो ईरान और उसके प्रॉक्सीज को मिलेगा। और साथ ही आप देखिए कि चीन के भी बड़े रोल पर हम देखेंगे कि ध्यान दुनिया का केंद्रित होगा कि चीन किस तरह से सप्लाई लाइन को क्रिएट करके ईरान को मदद पहुंचाता है। तो कुल मिलाकर इस वक्त के हालात में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि मिडिल ईस्ट पर जिस तरह के जंग का खतरा मंडरा रहा है वो इसराइल पर काफ़ी भारी पड़ सकता है। अमेरिका बीच बचाव में जरूर आने की कोशिश कर रहा है लेकिन अमेरिका खुद चुनाव में फंसा हुआ है। अमेरिका के लिए इस वक्त की प्रायोरिटी उसका चुनाव है
बाइडेन भले ही इस बार चुनाव में नहीं उतर रहे पर कमला हैरिस के लिए चुनाव की प्राथमिकता है। दूसरी तरफ आप देखिए तो ट्रंप जो है वो भी अपनी पूरी ताकत खींचते हुए इस वक्त चुनाव में लड़ रहे हैं। तो ये वस्तु स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है और इस बीच हम देख रहे हैं कि किस तरह से इसराइल वॉर एक नया मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ये संकट ईरान के लिए इसलिए भी बड़ा है कि ईरान ने अप्रैल के महीने में भले ही अपने टॉप कमांडर रजा जहीदी की मौत का बदला लेने के लिए तकरीबन 200 से ज़्यादा अपने मिसाइल और खास तौर पर ड्रोन का इस्तेमाल इसराइल के खिलाफ किया था, लेकिन इसराइल ने अमेरिका, यूके, जॉर्डन और साथ ही देखिए तो इजिप्ट की मदद से ईरान के हमले को निराधार कर दिया था। लेकिन इस बार ईरान ऐसी गलती नहीं कर रहा। ईरान इस वक्त अपने तमाम प्रॉक्सीज के साथ तकरीबन 5 इलाकों से इस वक्त जंग जो है वो इसराइल के खिलाफ छेड़ रहा है, जिसकी शुरुआत हिजबुल्ला ने की है। हिजबुल्ला ने भी दरअसल अपने टॉप कमांडर की मौत का बदला लेने का न सिर्फ ऐलान किया है बल्कि इसराइल को सबक सिखाने की बात नसरुल्ला ने खुद कही है। ये दरअसल जंग देखें तो गोलन हाइट्स के उस इलाके से फड़का जहां पर हमले में जो फुटबॉल फील्ड था उसमें तकरीबन दर्जन भर इजरायली बच्चे मारे गए। इजरायल ने कहा कि इसका इल्ज़ाम हिजबुल्ला के ऊपर है, हिजबुल्ला ने कहा कि ये उसका रॉकेट नहीं था। और इस बीच हमने देखा कि इजरायल ने इस घटना से बदला लेने के लिए जो बेरूत का आउटस्कर्ट्स है वहाँ पर हिजबुल्ला के ठिकाने पर हमला किया और वहाँ पर हिजबुल्ला का टॉप कमांडर जो है शुकर वो मारा गया। ये वही टॉप कमांडर है जो कि राइट हैंड नसरुल्ला का भी कहा जाता है, यानी हिजबुल्ला प्रमुख का भी कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में पलटवार करते हुए हिजबुल्ला ने अपने एक्शन शुरू कर दिए हैं। अब सबकी निगाहें इस वक्त ईरान पर टिकी हुई है, ईरान का एक्शन क्या होगा और साथ ही ईरान के अदर प्रॉक्सीज जो हैं उसका रिएक्शन क्या होगा, इसराइल इसे कैसे संभालेगा, अमेरिका कैसे इसराइल को मदद पहुंचाएगा, किस तरह से मिडिल ईस्ट से इस वक्त युद्ध के बादल छटेंगे जिसका कोई आसार इस वक्त दिखाई हमें तो नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति में ईरान के इकबाल का भी बड़ा सवाल है क्योंकि इस्माइल हानिया जो कि हमास का चीफ था कहीं और नहीं बल्कि तेहरान की ज़मीन पर मारा गया, उस तेहरान की ज़मीन पर जहां उस दिन ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो हैं वो शपथ ले रहे थे और तमाम दुनिया ये देख रही थी। इस्माइल हानिया न सिर्फ उस दिन शपथ ग्रहण समारोह के बाद के आखिरी विजुअल्स में देखिए तो पेजस्कियान के साथ गले मिल रहे हैं बल्कि उसके साथ ही एक बड़ी मुलाकात उनकी ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई के साथ भी होती है। बावजूद इसके जिस तरह से तेहरान में इस्माइल हानिया को मारा गया ये अपने आप में न सिर्फ हमास के लिए बल्कि एक तरह से ईरान के इकबाल के लिए भी बड़ा सवाल है, ईरान की प्रतिष्ठा के लिए बड़ा सवाल है। ईरान अपनी प्रतिष्ठा की लाज रखने के लिए कहिए या फिर अपनी ताकत का इजहार करने के लिए ये लाजमी है कि इसराइल को इस बार नहीं बख्शेगा वरना ईरान पर उसके प्रॉक्सीज का ही भरोसा उठ जाएगा जो कि लाजमी दिखाई देता है। और इसीलिए इस वक्त जिस तरह से ईरान आक्रामक मोड में है उसके प्रॉक्सी जो हैं वो पूरी तैयारी के साथ सिंक हैं। हिजबुल्ला ने हमला शुरू कर दिया है, अमेरिका को मालूम है कि होना क्या है इसलिए वो इसराइल के साथ खुलकर आ चुका है। इस बीच और मिडिल ईस्ट के जो इस्लामिक देश हैं उनके फैसले का भी इंतज़ार हो रहा है कि टर्की ने जिस तरह से कहा, अर्दोगान ने जिस तरह से कहा कि वो इसराइल पर हमला बोलेगा, क्या अन्य देश भी निकलकर सामने आएंगे, कैसी गोलबंदी होगी, क्या ये दुनिया दो भाग में यहाँ पर इसराइल और ईरान के जंग के बीच बटी नजर आएगी, उसमें रूस का रोल और खास तौर पर चीन का रोल तो साफ तौर पर ईरान के पक्ष में दिखाई दे रहा है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नेटो और अमेरिका का रोल इसराइल के पक्ष में दिखाई दे रहा है। तो एक बड़ा संकट है मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो कि जंग और शोलों के बीच भड़कता हुआ दिखाई दे रहा है। देखते हैं ये किस करवट बैठता है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही, और ज्यादा जानकारी और विश्लेषण इस संबंध में हम लेकर आपके समक्ष हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी संजय को दीजिए इजाजत।